हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी टाइट फिटिंग वाली साड़ी पहनना बहुत पसंद है तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोगों को ना कभी कभी टाइट फिटिंग साड़ी पहनने का बहुत मन करता है क्योंकि पार्टीज में जाना होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार लुक थोड़ा ऐसा क्रिएट होना चाहिए साड़ी पहनने के बाद भी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए, है ना। तो अगर आप भी यही सोचते हैं, अगर आप पार्टीज में जा रहे हैं या किसी शादी में जा रहे हैं या फिर आपकी फेयरवेल पार्टी हो या बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जिसमें आप साड़ी वेयर करते हैं और चाहते हैं एकदम टाइट फिटिंग और स्लिम फिटिंग साड़ी पहनना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर कहीं कहीं हल्के हल्के से बाल उड़ गए हैं, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर या फिर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक ऑयल एडवाइस करना चाहूंगी। एंड फ्रेंड्स, सीरियसली ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, आप इस पर गूगल कर सकते हैं, इनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव ऑयल के बारे में बताने जा रही हूँ। वो ऑयल है, ये नेचर श्योर का ऑयल है, ये नेचर श्योर का जोंक ऑयल है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जोंक ऑयल, जोंक होते हैं ना, दो तरीके के जोंक होते हैं। फर्स्ट तरीके के होते हैं वो होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, एंड सेकंड तरीके के जो जोंक्स होते हैं ना उनसे ये ऑयल बनाया जाता है। एंड सीरियसली गाइस, डॉक्टर भी इसके लिए रेकमेंड करते हैं। मैं इसका परचेज लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस ऑयल को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है और सीरियसली ये बहुत इफेक्टिव है। सो आई होप आप इसे परचेज करेंगे अगर आप ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं या फिर आपके भाई, आपके हस्बैंड अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें ये सजेस्ट करें। और अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर कहीं कहीं से बाल उड़ गए हैं, सो आपको ये वाला ऑयल जरूर जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। सो अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है। फ्रेंड्स, जॉर्जेट की साड़ी में फिटिंग बहुत प्यारी आती है, बॉडी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब मैचिंग का पेटीकोट पहन लेंगे और मेरा जो पेटीकोट है उसका फैब्रिक कॉटन है और इसे मैं साइड से टक इन करना शुरू कर रही हूँ। साइड से टक इन करने से आपको एक प्लेन सरफेस मिल जाता है जिससे आप कमर की प्लेट्स बहुत आराम से बना सकते हैं। अब सेकेंड राउंड लेंगे और साड़ी को चारों तरफ से अच्छे से पेटीकोट में टक इन कर देंगे। एंड देन उसके बाद एक कैजुअल सा मेज़र लेंगे शोल्डर की प्लीट्स के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, हमेशा जो शोल्डर की प्लीट्स होती है ना वो अपने अकॉर्डिंग लें और उसके बाद कमर के पास से कपड़े को लेके आएंगे, साड़ी के कपड़े को लेके आएंगे एंड पिन से सिक्योर कर देंगे। मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें मैंने नीचे की तरफ पिनअप किया है कमर के कपड़े को, बट मैं इस वीडियो में आपको मैं ऊपर की तरफ से ही पिनअप करके दिखा रही हूँ। इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फ्रेंड्स, इसके बाद कमर की प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। प्लीट्स बनाने के लिए जो फर्स्ट प्लीट होगी वो बेली बटन के साइड से मेज़र करते हुए लेके आएंगे एंड देन बाकी की जितनी भी प्लीट्स हैं वो आप अपनी चौड़ाई के अपने अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई रख सकते हैं। अब इस तरीके से वन बाय वन सारी प्लीट्स बना लेंगे एंड प्लीट्स बनाने के बाद उसको जिस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ ना उसी तरीके से सेट करेंगे। सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद पेटीकोट में सारी प्लीट्स को टक इन कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कमर के पास बिना कुछ किए ही कितना अच्छा, कितने अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। सो इसीलिए मैंने जॉर्जेट की साड़ी में जो पिन है कमर के पास, जो मैं पिन लगाती हूँ वो ऊपर की तरफ लगाती हूँ। अब हमें शोल्डर की प्लीट्स बनानी है। सो फर्स्ट प्लीट जैसे मैं पिनअप कर रही हूँ ब्लाउज में, उसी तरीके से पिनअप करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्हें ये है कि मैम हमें आप टॉप के ऊपर पहन के दिखाते हो तो हमें नहीं समझ आता है। डियर, अगर आप मैं एक्चुअली मुझे एक अनकंफर्टेबल सा फील होता है विदाउट टॉप, सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पे साड़ी बनाने, वीडियो बनाने में, सो इसीलिए मैं टॉप वेयर करती हूँ। बट जैसे जैसे मैं पिन्स लगाती हूँ ना, आप उसी तरीके से अपने ब्लाउज में पिन को सेट कर लें, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। सो गाइज, इसके बाद हम
कैजुअली तरीके से शोल्डर की प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। और नॉर्मली हम साड़ी इसी तरीके से पहनते हैं, बट क्योंकि मैं आपको टाइट फिटिंग साड़ी पहन के दिखा रही हूँ तो आपको इस तरीके से प्लीट्स नहीं बनानी है शोल्डर की। मैं आपको एक कैजुअली तरीके से दिखा रही हूँ कि हम जब नॉर्मली साड़ी पहनते हैं तो कैसे शोल्डर की प्लीट्स बनाते हैं, बट ये तरीका मैं आपको आगे बताने वाली नहीं हूँ। मैं आपको दूसरे तरीके से शोल्डर की प्लीट्स बनाना बताऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम नॉर्मली साड़ी पहनते हैं तो इस तरीके का लुक आता है, बट क्योंकि मैं आपको टाइट फिटिंग साड़ी पहनना सिखा रही हूँ सो आपको मैं आप बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको पहले तो मेजर कर लेना है कि कमर के पास से कपड़ा एकदम फिटिंग आए, एंड उसके बाद जो लास्ट प्लीट है ना उसको मेजर कर लें इस तरीके से खींच के। ये देखिए कमर के पास कितनी फिटिंग आ गई है ना, उसके बाद मेजर कर लिया, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्लीट्स बनानी है जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से प्लीट्स बनाते हैं तो आपकी जो शोल्डर की प्लीट्स हैं वो नीचे की तरफ अनइवन हो जाते हैं, बट जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक सीरियल था जिसका नाम था दिया बाती, उसमें इसी तरीके से साड़ी वेयर करते थे और वो बहुत प्यारा लगता था देखने में। सो गाइज, मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं इस आइडिया को शेयर करती हूँ, और जिनको टाइट फिटिंग साड़ी पहनना बहुत पसंद है वो इस तरीके से साड़ी पहन सकते हैं और नए लुक के साथ। ये देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ अनइवन सा पल्ला हो रखा है, सो अगर आप इस तरीके से साड़ी पहनते हैं तो आपको अनइवन सा पल्ला दिखेगा, लास्ट का जो प्लीट्स होंगे वो अनइवन सी होंगी, बट लुक वाइज साड़ी आपकी बहुत प्यारी लगेगी। सो अब वन बाय वन सारी प्लीट्स को अरेंज करेंगे, एंड फिर ये बिल्कुल ऑप्शनल है बिकॉज मेरे को इस तरीके से साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं पिनअप कर लेती हूँ। अब आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, कमर के पास जो हमने पिन लगाई थी, अब वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को खींचते हुए लेके आएंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े को खींचते हुए लेके आएंगे और फिर उस कपड़े को ट्विस्ट करेंगे और फिर उसे पेटीकोट में टक इन कर देंगे, और फिर जो साड़ी का कपड़ा है उसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे, और फिर पीछे की तरफ से कपड़े को नीचे की तरफ खींचेंगे, और ये देखिए फिनिशिंग। अब मैं आपको बिना टॉप के साड़ी का लुक दिखाती हूँ। देखिए कितना लाजवाब लुक आ रहा है यार। अगर आप इस तरीके से साड़ी वेयर करते हैं ना तो आपके लुक बहुत प्यारी आएगी। अगर आपको टाइट फिटिंग साड़ी पहनना पसंद है, आप पार्टीज़ में जा रहे हैं, आपका फेयरवेल है, आपका वेलकम है, आप इस तरीके से साड़ी पहने और आप वाकई में बहुत प्यारा लगने वाले हो। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि साड़ी पहनने में ना बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो गाइज ज़रूर लाइक करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको कोई रिक्वेस्ट है अदर तरीके से साड़ी पहनने की तो आप वो मुझे बताएं और मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी साड़ी, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना गाइस, चैनल सब्सक्राइब करके और फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो और भी साड़ी की वीडियोज़ हैं उन्हें देखना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। I know you don't love me like you say you do.